न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों और रामकार सेवकों के बलिदान का ही नतीजा कहें कि आज रामलला को टेंट से निकालकर उनके अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रवेश करवाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और आज देश की 140 करोड़ जनता दिवाली मना रही है। यह कहना है भाजपा नेता सुनील यादव मूसेपुर का, जिन्होंने रेवाड़ी में सामाजिक संगठनों द्वारा निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये शोभा यात्रा रेवाड़ी के रेलवे रोड से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस रेलवे रोड पर पहुंची। भाजपा नेता सुनील यादव मूसेपुर, प्रवक्ता वंदना पोपली, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि आज समाज को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है ताकि देश में रामराज फिर से स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की यह कभी भूलने वाली तारीख नहीं है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इस भारत देश की 140 करोड़ जनता और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलते रामलला को राम मंदिर बना के उसमें विराजमान करके खुशी मना रहा है और आज दिवाली का दिन है। एक तरह से राम हमारे घर में आए हैं, उनको टेंट में से ला के आज हमने मंदिर में सजाया है और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि रामलला का 22 तारीख का ये पर्व दिवाली के रूप में मना करेगा। आज दिवाली के पर्व पे ही बनाया जा रहा है, आज ही दिवाली होगी असली। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आज हम सब धन्य हो गए जो सैकड़ों सालों के बाद ये समय आया है, जो रामलला है वो टेंट से उठकर अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने महल में जा रहे हैं। आज हर एक सनातनी को गर्व है कि आज हमारे को ये दिन देखने को मिला। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जो हम ये दिन देख पा रहे हैं। पूरे रेवाड़ी में, हरियाणा में, भारत में और छोड़िए विदेशों में जिस प्रकार से जोश दिखाई दे रहा है, सब जगह बाजार सजे हुए हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कीर्तन हो रहे हैं, तो ये जो सभी सनातनी इस दिन को नहीं भूलेंगे, साथ के साथ सभी सनातनी ये दिन भी नहीं भूलेंगे, ये चीज भी नहीं भूलेंगे कि ये किसकी वजह से हुआ है। और मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि रामलला आज अपने मंदिर में चले गए हैं, मंदिर बन गया। जय श्री राम। हमारे पूरे देश में बहुत हर्ष और खुशी का माहौल है क्योंकि आज 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज हमारे रामलला जी टेंट से निकलकर और मंदिर में उनकी अयोध्या के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल है कि आज हमारा देश पूरा राम में हो गया है। और रेवाड़ी में तो लोगों ने दो दिन पहले ही दीपावली मनानी शुरू कर दी थी, चारों तरफ अपना दीपक जला रहे हैं, लोग अपने घर को सजा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और सारा देश हमारा राम में हो गया है। और इतना ही नहीं कि आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे समय में श्री राम लला भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।